जय महेश। दिल्ली प्रदेश महेशी समाज के महेश नवमी और नए पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो लगातार देश भर में समाज के सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं, कोई भी अभाव हो, कठिनाई हो तो उसके लिए उस समस्या का समाधान करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, श्रीमान श्याम जाजू जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री जगदीश बागड़ी जी, एसएन चंडक जी, अनिल जी भूतड़ा, जुगल जी राठी, मुकेश जी रांदड़, घनश्याम बायती जी, जुगल जी मुंडा, श्रीमती श्यामा बागड़िया, श्री विमल जी मुंडा और श्री बंसाली जी, सभी पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से आए मेरे महेशी समाज के सभी गणमान्य अतिथिगण, नौजवान साथियों, माता और बहनों, हम सब लोग भगवान महेश की उत्पत्ति महेश नवी के रूप में पूरे देश में उत्साह और उमंग से समारोह करते हैं। महेशी समाज जो हमेशा भगवान महेश के संस्कार, भगवान महेश के जीवन दर्शन और भगवान महेश की तरह समाज की कठिनाइयां, अभावों को, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी और दुख समझकर सामाजिक जनकल्याण के लिए काम करते हैं। मैं देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जाता हूं, जिलों के अंदर जाता हूं, तो मेरा अनुभव रहता है कि महेशी समाज के लोग जहां भी रहते हैं, इसी तरीके के हमारे संस्कार और संस्कृति के कारण उनका संपूर्ण समाज में हमेशा यथोचित सम्मान रहता है। दूर दराज के उन पहाड़ी इलाकों के अंदर, पूर्वी प्रदेश के अंदर भी मेरा जब जाना हुआ तो वहां भी मैंने देखा किस तरीके से वहां रहकर काम करने गए थे, उद्योग के लिए गए थे, व्यापार के लिए गए थे, लेकिन वहां सीमित संख्या में होने के बाद भी संपूर्ण समाज में जब कोई आपदा आती है, कठिनाई आती है, विपत्ति आती है तो वहां कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे पूर्वजों के इसी समर्पण, सेवा, निष्ठा, त्याग के कारण
आज संपूर्ण समाज में मायशी समाज का व्यक्ति जहां भी रहता है उसको सम्मान पूर्वक समाज के अंदर आदर पूर्वक लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर चाहे आजादी का आंदोलन हो, उस आजादी के आंदोलन के लिए संघर्ष किया, जहां धन की आवश्यकता होती थी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए, वहां भामाशाह के रूप में धन देकर भी आजादी की लड़ाई में सहयोग किया। और यह हमारा इतिहास रहा है, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे गौरवशाली समर्पण सेवा, उसके कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबका सम्मान होता है। आजादी के बाद आप और आजादी के पहले आप देश के अलग अलग राज्यों में देखोगे, जब विद्यालय निवाह करते थे तो शिक्षा के लिए मायशी समाज के लोग विद्यालय बनाते थे, स्कूल बनाते थे, छोटे छोटे गांव में स्कूल चलाते थे। उस स्कूल में मायशी समाज का व्यक्ति नहीं, संपूर्ण समाज का व्यक्ति पढ़ता था, और शिक्षा व्यक्ति के जीवन के अंदर एक व्यक्तित्व विकास नहीं करती। जहां जहां भी शिक्षा पहुंची है वहां वहां पर देश प्रगति की ओर हुआ है, प्रदेश प्रगति की ओर हुआ है, व्यक्ति का सशक्तिकरण हुआ है। इसलिए मायशी समाज के लोग जानते थे कि हमें इस देश के अंदर शिक्षित बनाने के लक्ष्यों के लिए सरकार के साथ साथ हमें भी सहयोग करना है। और आज आप देश के अलग अलग राज्यों में चले जाएं, हर जगह आपको मायशी स्कूल मिलेंगे। उस समय आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, एक व्यक्ति अगर शहर में आ गया तो जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। उसकी समस्याओं को देखा, समस्याओं को कठिनाइयों को समझा और जगह जगह मायश्री भवन बनाए ताकि उस मायश्री भवन में लोग ठहर जाए, राहगीर रात का विश्राम कर ले और जब सुबह साधन मिले अपने गंतव्य स्थान पर दे। आप देश के हर हिस्से में चले जाएं, आज सबसे ज्यादा मायश्री समाज और मायश्री धर्मशाला आपको देश में मिलेगी। चिकित्सालय के अभाव हुआ करता था, दूर दराज तक अस्पताल नहीं हुआ करते थे, बीमारियों की जानकारी नहीं होती थी, उसके कारण कई लोग मृत्यु की ओर चल जाते थे। ये कठिनाई मायशी समाज के लोगों ने समझी और जगह जगह अपने कमाए धन से, अपने संचित धन से अस्पताल बनाने का काम किया। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा अस्पताल मायशी समाज के लोगों ने बनाए, चाहे प्याव हो, अन्न भंडार हो, ऐसी सामाजिक सेवा की संस्कृति। और इसीलिए तो मायशी समाज के विचारों के अंदर भगवान महेश के विचार हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय कौन विष पिए, भगवान महेश ने विष पिया इसलिए नीलकंठ मां खिलाओ। तो लोगों के समाज के अभाव, कठिनाइयां, परेशानियों को अपनी परेशानी समाज कर समाज का कल्याण करें। अगर हम अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, तो शायद ये सम्मान आपको नहीं मिलता। हमारी पीढ़ी जो बहुत कठिनाइयों में रही, आप जितने भी उद्योग व्यापार उद्योगपतियों के जीवन दर्शन को आप पढ़ेंगे, कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने व्यापार किया, दूर दराज के इलाके के अंदर
आप पूरी असम के अरुणाचल में चले जाओ, दूर दराज के नागालैंड में चले जाओ, तो देखता हूं किस तरीके से, किस परिस्थिति में लोग पहुंचे होंगे। और वहां पर आज भी वह समाज में उनका सम्मान है। अगर केवल वह धन कमाते और धन का संचय अपने लिए संग्रह करते तो उनका उस समाज में सम्मान नहीं होता। इसलिए संख्या में कम है लेकिन सेवा और समर्पण में माईसी समाज सबसे आगे रहा है। अब हम आजादी के अमृत वर्ष में चल रहे हैं, देश कहां पे आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बढ़ा है। आजादी के बाद नए उद्योग, व्यापार, कारखाने लगाने की आवश्यकता थी। उस समय हमने कारखाने लगाए, उद्योग लगाए, व्यापार किया। लेकिन आज परिस्थितियां परिवर्तन हुई है। उस बदलते परिप्रेक्ष्य में भी हमें इसी तरीके का हमारे पूर्वजों के संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने समाज को आगे बढ़ाना। सब लोग अपने अपने समाज के उन अभाव वंचित लोगों को आवश्यकता अनुसार मदद करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समृद्धशील होगा। और इसीलिए विचार का विषय है, सोच का विषय है कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम हमारी भूमिका क्या तय कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा समाज में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहे, हमारा समर्पण सबसे ज्यादा रहे, हमारी सेवा सबसे ज्यादा रहे। इसके लिए बदलती भूमिका के अंदर विचार करने की आवश्यकता है। आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, आपके किए गए कार्य, आपकी सेवा, आपका समर्पण, आपकी सेवा के अंदर नए इनोवेशन जो कुछ समाज में देंगे उसका संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आवश्यक आग्रह है कि टीम बैठकर चर्चा करें कि बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका समाज में कैसी रहे। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों के संस्कार सेवा के कारण इस समाज का स्थान यथोचित सम्मान रहा है, हम भी हमारी पीढ़ी के तरह संस्कारों को आगे लेकर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके का सम्मान मिले। और ये सम्मान मिलता है समर्पण से, सेवा से, त्याग से। हम अपने लिए जिए, परिवार के लिए जिए, तो बदलते परिप्रेक्ष्य में किसको कोई सम्मान नहीं देगा। इसलिए आपको बदलती भूमिका तय करनी होगी। अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस भूमिका के अंदर माईसी समाज कुछ परिस्थितियों में कमजोर नजर आता है, क्योंकि मैं दिल्ली में सब जगह जाता हूं, कई समाजों में मेरा जाना होता है। अलग अलग समाजों ने अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू की है। समाज ने, किसी समाज ने उनके बच्चों की शिक्षा संस्कार के लिए छात्रावास बनाए, उनको मदद की, किस तरीके से वहाँ के बच्चे जो शिक्षा में अच्छे हैं लेकिन धन का अभाव है। देखिए दो बातें विचार करने की आवश्यकता है। आपके पास कोई आने वाला नहीं है, मेरे पास भी कोई नहीं आता। मैं दिल खोल कर लोगों से कहता हूँ कि कोई शिक्षा के धन के अभाव हो तो मेरे पास आओ, मैं व्यवस्था करूँगा। इलाज की कोई चिंता हो तो मेरे पास आओ, कोई भी कठिनाई परेशानी हो मेरे पास आओ। लेकिन ये समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है, इसलिए आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको उसके दरवाजे पर दस्तक देकर जाना पड़ेगा। आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि समाज के इन परिवारों को हमें ऊंचा उठाना है,
इनके नौजवानों को रोजगार सर्जन करना है। अभी मुझे श्याम जाजू जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र के ठाणे में इसी तरीके से मायसी समाज के लोगों ने एक प्रकल्प चलाया और उन्होंने समाज के कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके व्यापार, उनके स्टार्टअप, उनके स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देकर वह उनके व्यापार को बढ़ा सके, उनके स्टार्टअप को अच्छा कर सके, लोगों को जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर स्कॉलरशिप देकर उन बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सके, महिला शिक्षा के लिए काम कर सके। ये सारे भूमिकाओं को अपन को तय करना होगा और मुझे आशा है कि दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई सोच, नए चिंतन कर हम किस तरीके से इस दिल्ली के अंदर भी सबसे आगे मायशी समाज ये संदेश देश में जाना है। हर सेवा के अंदर, समर्पण के अंदर, जब कभी कोई आपदा संकट आए उस आपदा संकट के समय सामूहिकता के साथ संपूर्ण समाज अपना कंट्रीब्यूशन देकर उस आपदा और संकट में सबसे पहले अगर खड़ा रहा तो मायशी समाज खड़ा रहा। ये संस्कृति और ये संस्कार को हमें लेके आगे बढ़ना है। आप सबको महेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और हर देश की अलग अलग भाषा है, हर राज्य की अलग भाषा है, हर जिले की अलग भाषा है। अब मैं हाड़ौती में बोलूंगा तो ता समझेगा कोई ना, तो आप कोई मेवाड़ में, कोई मारवाड़ के अंदर, कोई मराठी के अंदर, कोई गुजराती के अंदर। इसलिए संसद के अंदर हमारे 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को सुनता हूं मैं। इसलिए हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, हमारी विविधता, ये हमारी ताकत है। और इसीलिए भारत का लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, क्योंकि विविधताओं के अंदर भी हम संगठित हैं, एक श्रेष्ठ भारत हैं और मजबूत भारत हैं। हमारा नेतृत्व कुशल नेतृत्व है, इससे देश में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी के साथ आप सबको महेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।